तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में। तो चलो चलते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक बुड्ढे खूसट को देखते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी, पर उसकी ठड़क खत्म नहीं होती। उसके पास एक सेक्सी नर्स आती है जिसको देखकर बुड्ढे की ठड़क हिचकोले लेने लग जाती है। वो उस नर्स का हाथ पकड़ लेता है, पर उस नर्स का हाथ गलती से मिस्ट्री बॉक्स से टच हो जाता है। नर्स के अंदर मियां खलीफा की आत्मा घुस जाती है और अपने बुद्धू को सहलाने लगती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखती है और फिर से शीशे में देखती है। वो देखती है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पुराने कॉटेज को जहाँ डेविड रहता है। वो हर काम को 3 बार करता है। वो सो रहा होता है तभी उसको कॉल आता है। वहाँ हमें पता चलता है कि ठगी बुड्ढा निपट गया है। तो अब कहानी शुरू हो। बुड्ढे की वसीयत के लिए उन सबको एक मैसेज आता है कि बुड्ढे की वसीयत पढ़ने के लिए सब लोग जो उसके वारिस थे उन सबको उसी कॉटेज पर आना होगा। हम देखते हैं ठगी बुड्ढे का दामाद और उसकी गर्लफ्रेंड कार में से वसीयत पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं और कार में ही चुम्मा चाटी का मूड बना रहे होते हैं। तभी सामने से दूसरी कार आ जाती है, पर वो सही टाइम पर ब्रेक लगा देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, आज तो माँ छुट गई होती, हम किसी और की वसीयत पढ़ने जा रहे थे, यहाँ हमारे खुद के लौड़े लग जाते। अभी हम दूसरी तरफ उस नल्ले और उसकी वकील दोस्त को देखते हैं। वो नल्ला उसे बहुत पकाता है। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, भोसड़ी के दिमाग मत खा, अपना मुँह चुप कर और बैठ जा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस बुड्ढे की लड़की को जो कि अपनी गांड उठा उठा के आसन कर रही होती है, वो भी वसीयत के लिए तैयार होती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड और डेविन सब लोग उस कॉटेज पर पहुंच जाते हैं। वहां डेविड डोर खोलता है। डेविड उस गंजेड़ी को देखता है और बोलता है, जब उसने पहली बार उस नल्ले को देखा था तो वो छांट बराबर था और अब काफी बड़ा हो गया है। इस पर डेविन बोलता है कि तुम भी पहले कद्दू जैसे दिखते थे। तभी डेविड वही 1 2 3 1 2 3 करके हाथ साफ कर रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ एक मिस्ट्री बॉक्स पड़ा है। बॉक्स को वो लोग अंदर ले आते हैं। तभी वह मिसेल भी वहाँ आ जाती है जो कि रिचर्ड की पहली पत्नी होती है। मिसेल को देखकर रिचर्ड के अंगूर फड़कने लगते हैं। तभी डेविड उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। तभी उन सबको एक जोरदार झटका लगता है। वो सोचते हैं कि उन सबको ये झटका कैसे लगा। तभी डेविड अंदर से झाड़ू लेने जाता है। उसे बेसमेंट का गेट खुला दिखता है तो वो आगे देखता है, कोई काली हवा वहाँ घूम रही होती है जिससे उसकी फट जाती है और वह गेट बंद कर देता है। वहाँ सब लोग डेविड को खिसका हुआ समझते हैं। वो नल्ला डेविड उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी सबके मोबाइल में एक फॉरेन भाषा में एक मैसेज आता है। डेविड उसका ट्रांसलेशन करता है। तभी उस बॉक्स में से एक सुई निकलती है और डेविन के हाथ में घुस जाती है। उस मैसेज का मतलब होता है 6 का खून। अब सारे लोग एक एक करके उस बॉक्स की सुई को अपने हाथ में घुसा के खून निकालते हैं और बॉक्स खुल जाता है। उसमें से एक सोने की ईंट निकलती है। उसे देखकर लालची रिचर्ड उसे उठा लेता है और वो उसकी कीमत के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उस ईंट से रिचर्ड का हाथ जल जाता है। इस पर डेविन कहता है, इसकी माँ का छोड़ दूँ, अच्छा हुआ मैंने नहीं उठाया। इस पर रिचर्ड डेविड पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता था। तभी रिचर्ड में वो आत्मा घुस जाती है और रिचर्ड कहता है कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। तभी डेविड रिचर्ड के हैंड को नोटिस करता है और देखता है कि उसके अंकल भी ऐसे ही हाथ चलाते थे। फिर हम देखते हैं मिस्ट्री बॉक्स फिर से बंद हो जाता है। ये देखकर मिसेल डेविड से पूछने जाती है कि ये पजल है। तभी उसके पीछे रिचर्ड आ जाता है क्योंकि उसे पुरानी बीवी को देखकर उसके पेंट में पड़ा सुदूरमुर्ग उसे चौंच मार रहा होता है और वो मिसेल को पकड़कर उसके होठों को चूसने वाला ही होता है। तब तक मिसेल उसे रोक लेती है, लेकिन तभी रिचर्ड की नई बीवी आ जाती है और मिसेल डेविड को ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है। तभी वहाँ डेविड आता है और कहता है उसने वो बॉक्स पहले भी देखा अपने फादर के स्टडी रूम में। उसको लाते ही उसकी मॉम टपक गई थी। वो उसे बता ही रहा होता है तभी उसके पीछे उसी बुड्ढे खूसट को देखता है। वो मिसेल को बचाता है जिससे मिसेल की ड्रेस गंदी हो जाती है। इससे वो डेविड पर चिल्लाती है और कहती है, भोसड़ी ये क्या बकवास है। ये कहकर वो नहाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस सोने ने एक दीवार को भी चला दिया होता है। डेविड उसे साफ करने को कहता है पर उसे कोई साफ नहीं करने देता और उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। तभी रिचर्ड नल्ले डेविन के पास जाता है और कहता है, तू ये सब पैसों के लिए करता है, और उसको खींचकर तो रैपट मारता है और उसे $20 देकर चला जाता है।
इधर डेविन को गांजा फूंकने की तलब उठती है और वो अपने दोस्त को फोन लगाता है, उसे माल के लिए बोलता है। उसका दोस्त कहता है भोसड़ी के पहले पिछला साफ कर। इस पर डेविन कहता है मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेल न्यूड होकर खुद को घिस घिस कर चमका रही होती है। वहीं दूसरी तरफ डेविन उस बॉक्स को लेकर भागने की तैयारी कर रहा होता है और वो काफी खुश होता है। तभी मिसेल को दिखाया जाता है, वो अपने आप को चमका ही रही थी तभी उसकी चिकनी पीठ पर कोई हाथ फेरता है। मिसेल डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है वहाँ रिचर्ड खड़ा। रिचर्ड का लोड़ा हिचकोले जो ले रहा था। वो मिसेल से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। इधर वो डेविड नल्ला 3 बार वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो भाग रहा होता है। ये देखकर उसकी बुद्धि के लोड़े लग जाते हैं। वो बार बार वहां से निकलने की ट्राई करता रहता है पर वो वहां से नहीं निकल पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड का पप्पू कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो मिसेल को पकड़कर चोदम पट्टी स्टार्ट कर देता है। इस पर मिसेल उसे मना करती है पर रिचर्ड कहाँ मानने वाला था, उस बहन के लौड़े को तो चरम सुख चाहिए था। इधर मजे तो मिसेल को भी आ रहे थे पर वो फिर भी मना करती है। अब रिचर्ड फुल स्पीड पकड़ चुका था, वो बस दौड़ पूरी करने ही वाला होता है। उससे पहले ही मिसेल पास में पड़ी कैंची उसकी गर्दन पर मार देती है। इससे रिचर्ड का बहुत खून बहने लगता है। ये देखकर मिसेल डर जाती है और चिल्लाती है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं बस डेविन को छोड़कर, क्योंकि वो भोसड़ी वाला तो पिछले आधे घंटे से भागने की कोशिश कर रहा है। अब वो फिर से वापस नहीं आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। वो उस बॉक्स को वापस वहीं रख देता है। इधर वो सब लोग रिचर्ड का खून रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खून के ज्यादा बह जाने से रिचर्ड की मौत हो जाती है। बट डेविन को गांजा फूंकने की चुल लगी होती है तभी उसे मिस्ट्री बॉक्स के खुलने की आवाज आई। उसमें से उसे ड्रग मिलती है और उसे वो खींचने लगता है। इधर मिसेल डेविड को बताती है कि उसने उसे स्नोफिल कहा। मिसेल को उसका फादर ये वर्ड कह के बुलाते थे। मिसेल कहती है हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। इस पर रिचर्ड की न्यू बीबी कहती है नहीं, पहले तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे क्योंकि रिचर्ड को तुमने मारा है। इस पर मिसेल कहती है पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की। इस पर डेविन बोलता है ये जादुई बॉक्स है, ये तुम्हें वही देगा जो तुम्हें चाहिए, पर उस नल्ले की बात का कोई विश्वास नहीं करता। तभी डेविन की कजन बाहर आ जाती है और वो देखती है कि दोपहर के टाइम बाहर काफी अंधेरा होता है, कोई काली चीज फर्श पर उनकी तरफ बढ़ रही होती है और वो उनसे देखकर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेविड से कहता है भोसड़ी वाले तू शुरू से ही चालाक रहा है। इतना कहते ही वहाँ उस कमरे में अंधेरा हो जाता है। तभी डेविन उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे कुत्ते की तरह पीटता है। वो लड़की उसके अखरोट में लात मारती है और डेविड के पास पहुंच जाती है। अब डेविन उन सब को चाकू मारने की कोशिश करता है तभी वो लड़की आती है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे डेविड की कान में से धुआं निकल जाता है और भोसड़ी का तंदूर की तरह धुआं फेंकने लगता है। सबको मना करता है कि इसको छूना मत और कहता है इन दोनों ने बॉक्स में से कुछ ना कुछ लिया और दोनों मारी गई। रिचर्ड को सोना पसंद था तो उसे सोना मिला, डेविन को ड्रग पसंद था तो उसे ड्रग मिला। अब वो सब सोचते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। वो दोनों लड़की डेविड पर शक करती हैं। इस पर मिसेल मना करती है ऐसा नहीं है और ये सब आपस में रंडी रोना स्टार्ट कर देते हैं। मिसेल कहती है बहन के लौड़े तुम सब बकवास करते रहो मैं तो जा रही हूँ। उसी ही जाने के लिए गेट खोलती है तो वो देखती है गेट के बाहर एक काली चट्टान की दीवार बनी है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डेविड बॉक्स के पास आता है तभी कैली बॉक्स पर स्क्रैच करती है तो उस बॉल पर भी स्क्रैच आ जाता है। कैली की बुरी तरीके से फटी हुई होती है तो वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती। इस पर मिसेल कहती है तू हट पहन की लौड़ी मैं करती हूँ। तभी मिसेल उस बॉक्स के पास जा रही होती है तो उसे रास्ते में मिरर दिखता है और वो उसमें अपना थोपड़ा देखने लगती है। तभी मिसेल बॉक्स के पास बैठती है तो बॉक्स में से एक मिरर निकलता है जिसमें मिसेल अपनी डरावनी शक्ल दिखती है। वो कंफर्म करने के लिए उसी मिरर के पास जाती है तभी मिरर मिसेल को अपने अंदर खींच लेता है। अब सब लोग मिसेल को ढूंढने लगते हैं तभी कैली की नज़र शीशे पर पड़ती है। वहाँ मिसेल चिल्लाती है बहन के लौड़े मुझे बाहर निकालो। अब वो रोते रोते मिरर को तोड़ देती है और मिसेल के भी लौड़े लग गए। फिर से अब वो तीनों बॉक्स के पास आकर सोचते हैं कि ये बॉक्स सबको अपनी पसंद की चीज़ें देता है और फिर मार देता है। डेविड बताता है कि उसने अपने बाप के साथ रहने के लिए ये घर डिजाइन किया था जिससे वो कभी भी बाहर ना जा सके, तो मैं भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि छत गिरने लग जाती है और वो सब बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दीवार से रोशनी दिखती है, उन्हें लगता है कि वो बाहर का रास्ता होगा और वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं वो तो किसी पुरानी जगह पर पहुंच जाते हैं। हाँ वो दो बॉडी देखते हैं। तभी कैली को एक स्लिप मिलती है जिस पर लिखा होता है 1953। उन्हें वो बॉक्स दिखता है। डेविड और लड़की भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें फिर से वही दीवार दिखती है। इस पर कैली बॉक्स के आगे कहती है कि मिसेल को वापस कर दो, उसके बदले में मेरी ले लो। फिर मिसेल आती है और कहती है बहन की लौड़ी ले अब ये सब तुम्हारा है और गायब हो जाती है। अब कैली में भी उस ठरकी बुड्ढे की आत्मा घुस जाती है। फिर कैली उन्हें कहती है चूतिया वो बाहर का रास्ता धर है मेरे पीछे आओ। वो दोनों चूतिया कैली की गांड के पीछे पीछे चल देते हैं।
तभी कैरी एक गेट को ओपन करती है और उसमें अंदर चली जाती है। फिर वो गेट उन सब चीजों को अंदर खींचने लग जाता है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सेरिल चिल्लाती है, तभी डेविड का बाप दिखाई देता है। वो कहता कि तुम्हें रोशनी में रहना चाहिए, ये चीज़ बहुत खतरनाक है। पर रोशनी को देखकर इसके लौड़े लग जाते हैं। वो बताता है ये चीज़ तुम्हें जब तक नहीं ले जाएगी जब तक तुम खुद हाँ नहीं कहोगे। वो बूढ़ा आदमी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है ये सब मैंने नहीं किया। वो उसे बताता है हाँ मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकता। इधर सेरिल को केली झुला रही होती है और फिर केली सेरिल का टैटू पकड़ लेती है। तभी डेविड पीछे से उसे धक्का मारता है पर वो डेविड की ठुकाई करने लगती है। तभी सेरिल आती है और केली की पीठ पर चाकू से वार कर देती है और केली भी ख़त्म हो जाती है। फिर डेविड सेरिल से कहता है सब खत्म हो गया चलो चलते हैं। लेकिन तभी डेविड की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जो कि खुला हुआ होता है। इस पर डेविड पूछता है कि तुम्हें ये चाकू इस बॉक्स से मिला। इस पर सेरिल कहती है हाँ मुझे माफ़ कर दो, ये बॉक्स तुम्हें वही देता है जो तुम्हें चाहिए। अब डेविड सेरिल को चाकू से मारने की कोशिश करता है पर सेरिल उसे रोक लेती है। वो कहती है मैं ये जानती थी कि तुम मुझे मारोगे। पर डेविड सेरिल को मारने के बजाय खुद की गर्दन की खतनी कर लेता है और मर जाता है। इससे वो एंटिटी फड़फड़ाने लगती है और वापस उसी बॉक्स में घुस जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।